स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या जो लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम दिया हुआ रहता है उसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, यानी मैट्रिक्स इक्वेशन में कैसे बदलते हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए, मान लेते हैं कोई वेरिएबल एक्स वन है, ये एक्स वन एक अलग वेरिएबल है, जैसे हम लोग एक्स वाई जेड मानते थे ना, उसी तरह एक्स वन एक अलग वेरिएबल है, एक्स टू एक अलग वेरिएबल है, एक्स थ्री एक अलग वेरिएबल है, और इस तरह डॉट 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 एक्स एन तक जा रहा है। और इसमें जो मल्टीप्लाई है उसको मान लेते हैं, ये वेरिएबल इसके साथ कोई कोफिशेंट मल्टीप्लाई होगा, ए वन वन मान लेते हैं, ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन एन मान लेते हैं, और ये इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, या कोई मान लेते हैं कॉन्स्टेंट कोई वैल्यू दिया रहता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं एक्स प्लस वाई बराबर टू, यहाँ ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये टू हो गया, तो दो वेरिएबल में। लेकिन अगर n वेरिएबल में है तो हम जनरल फॉर्म में लिखने बताएंगे आपको, उससे तो आप दो वेरिएबल रहेगा तो उससे बना सकते हैं, तीन वेरिएबल रहेगा तो भी बना सकते हैं। और इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं आप दूसरा वेरिएबल सेम वेरिएबल है लेकिन कोफिशियंट बदल जाएगा इस तरह। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको टोटल कितना इक्वेशन चाहिए, अगर एक्स वाई में दो इक्वेशन रहता है तो दो इक्वेशन चाहिए, तब ना हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तब इसको सॉल्व कर पाते हैं, या अगर एक इक्वेशन दिया रहेगा तो कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसी तरह n वेरिएबल है तो इसमें n इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तब ना इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको n इक्वेशन में बदल लेते हैं, n इक्वेशन का जनरल फॉर्म में लिख दे रहे हैं इस तरह। डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये ए एन तक जाएगा, कोफिशिएंट वन ए एक्स वन, ये भी कहाँ तक जाएगा, ए एन टू प्लस में ही रहेगा एक्स टू, और ये वेरिएबल भी कहाँ तक जाएगा, ए एन थ्री एक्स थ्री, और ये जब जाएगा यहाँ पे ए एन एन आ जाएगा, एक्स एन आ जाएगा। जब देखिए यहाँ से कहाँ कितना वेरिएबल हुआ, वन टू थ्री फोर, इतना एन जा रहा है तो एन इक्वेशन मिल गया, और यहाँ पर ये बी एन हो जाएगा। तो इस तरह क्या हो गया, ये मेरे जनरल फॉर्म में आ गया। अगर मेरे पास एन इक्वेशन है तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का सब वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आप सोचिए इतना बड़ा इक्वेशन अगर दे दिया जाए, दो वेरिएबल का रहता है तो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, तीन वेरिएबल का भी रहेगा तो तीन इक्वेशन बनेगा, तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे हिट एंड ट्रायल से, इधर से कटा दो दो तीन मेथड है जो। लेकिन अगर पाँच छः सात वेरिएबल रहे तो आप उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो उसके लिए आपको क्या मैट्रिक्स का हेल्प लेना पड़ेगा, बिना मैट्रिक्स के हेल्प के आप नहीं बना सकते हैं इसको, तो मैट्रिक्स का हेल्प लेते हैं। तो मैट्रिक्स का हेल्प लेने में इसको हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, जो भी कोफिशियंट है उसको सीरियल वाइज लिख लेते हैं, अब डॉट 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 दे देते हैं, यहाँ तक लिख लिया, उसके बाद डॉट डॉट दे दे रहे हैं, फिर उसी तरह ये पहला रो है इसको पहला रो मानेंगे, दूसरा रो, तीसरा रो, ये लिखने का स्टाइल है, ठीक। अब देखिए फिर सेकेंड रो में जाइएगा तो ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, डॉट 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 ए टू एन, फिर उसी तरह तीसरे में जाइएगा ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, डॉट 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 ए थ्री एन, फिर यहाँ पर जाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ए एन वन, ए एन टू, ए एन थ्री, और इस तरह डॉट 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 कितना हो जाएगा, ए एन। अब यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको, इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए वन वन में क्या मल्टीप्लाई है, एक्स वन मल्टीप्लाई है, यहाँ पे एक्स वन लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रो बाय कॉलम, तो ये रो है, अब इस रो में ये पूरे मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लिकेशन कॉलम में रहेगा तब ना ये पूरा इससे इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये रिजल्ट दे देगा, इसी कारण एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट 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 एक्स। अब देखिए ध्यान से, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए वन वन एक्स वन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है आपको, कॉलम बाय रो करते हैं, ये n बाय n ऑर्डर का है और ये n बाय वन ऑर्डर का है, समझ में आ रहा है आपको, तो ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन संभव है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए वन वन एक्स वन मिल गया, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये सीरियल वाइज होता है ना, ये इससे फिर डॉट डॉट होते होते ये इससे हो जाएगा, देखिए पहला मिल गया कि नहीं, फिर दूसरा करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इस तरह ये मेरा पूरा इक्वेशन मिल जाएगा, और यहाँ इक्विवेलेंट कर देंगे b11, b22, b33, dot 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 bn, ये भी कितने ऑर्डर का रहेगा मेरा,
एन इंटू वन ऑर्डर का। देखिए ध्यान से, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। इसको करेंगे क्या, इसको ए मैट्रिक्स मान लेंगे, इसको बी मैट्रिक्स मान लेंगे, इसको सी मैट्रिक्स मान लेंगे। तो बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए इंटू सी, और यहाँ से बी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। जब इसको इधर भेजेंगे तो ये इन्वर्स मैट्रिक्स में बदल जाएगा। अगर समझ में नहीं आया कैसे बदला, तो देखिए ध्यान से, ए बी इज इक्वल टू सी दिया हुआ है, तो ए इन्वर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए इन्वर्स सी। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू समथिंग मैट्रिक्स, तो समथिंग मैट्रिक्स ही आता है। समझ में आ गया आपको। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, ए एक्स वन एक्स टू डॉट 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 ए एक्स एन तक, एक्स एन तक, फिर ए इन्वर्स आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ए इन्वर्स आपको निकालने आता है, जो भी मैट्रिक्स दिया उसका ए इन्वर्स निकाल लेंगे और सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी क्या है, बी वन बी टू बी थ्री डॉट 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 बी एन। अब जब इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x1 का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों नॉमरिकल वैल्यू है, ये सारा नॉमरिकल वैल्यू, क्योंकि ये कोफिशियंट का इन्वर्स आएगा, ए इन्वर्स, और ये सी है और ये बी है, ए इन्वर्स कोफिशियंट का है और ये भी कोफिशियंट का है। जब कोफिशियंट कोफिशियंट से मल्टीप्लाई होगा तो कोई कोफिशियंट ही देगा ना, ये भी कोई कोफिशियंट देगा, ये भी कोई कोफिशियंट देगा, ये भी कोई कोफिशियंट देगा, कोई कोफिशियंट देगा। इससे आप क्या आसानी से फिर इक्वेट करके यहाँ से आप एक्स वन आसानी से निकाल सकते हैं, एक्स टू आसानी से निकाल सकते हैं, डॉट डॉट एक्स एन आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये यूज ऑफ क्या कर सकते हैं, इसको इन्वर्स मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।